हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज से दोस्तों मैं अपना मोटो व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड आज की वीडियो में कुछ होने वाला नहीं है खास, लेकिन आज मैं आपको दोस्तों सुनाने वाला हूँ MT15 का साउंड कि स्टॉक एग्जॉस्ट पे ये बाइक कैसा साउंड करती है, कैसा परफॉर्म करती है। एंड कुछ टाइम बाद दोस्तों मैं इसमें एग्जॉस्ट भी चेंज कराऊंगा। मैंने सोच रहा है कि मैं इसमें एक्रा पॉविक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई और बेटर लगता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों स्टॉक एग्जॉस्ट के मुझे लेते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उस टाइम 15 पे विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा वाइजर लगवाना पड़ेगा जो विंड प्रोटेक्शन दे सके। एंड वाइजर जो उसमें मैंने दो चूज़ कर रखे हैं, एक तो लॉन्ग वाइजर या फिर एक बुल मास्क, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। एंड मैं स्टील वाले वाइजर के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा नहीं लगता। सो फिलहाल के लिए दोस्तों MT15 मेरी पूरी गंदी हो चुकी है क्योंकि दिल्ली में दो चार दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने इस बाइक को वॉश नहीं करवाया, इसलिए आपको सिर्फ ऐसी वीडियो देखने मिल रही है। लेकिन आगे से इसमें मैं थोड़ा हो सके तो स्टार्टिंग में अपना इंट्रो दे दूँगा, उसके बाद ही दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में रेड लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो रुकना तो पड़ेगा, सो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिलहाल यू टर्न ले रहे हैं तो चलते हैं। एंड हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी MT15 का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए आपको इसके हैंडल पे ये वाइट वाले क्लिप्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसका हैंडल एक बार पूरी तरह से चेंज हुआ है एंड थोड़ा बहुत डैमेज आया था इस बाइक को एक्सीडेंट के दौरान। उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी थी, मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना। तो एक्सीडेंट के बाद दोस्तों मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या MT15 की परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप आया है, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद दोस्तों ये बाइक सीधा जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए एंड इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो फिलहाल आप पाछे वाले को पकड़ते हैं एंड देखते हैं वो कॉम्पीट करता है या नहीं। अच्छा, तो अपाचे 204 भी है बट MT15 अपने पास भी, तो कोई दिक्कत तो है नहीं।
एंड दोस्तों मुझे ग्लव्स भी लेने हैं, राइडिंग जैकेट भी लेनी है, तो फिलहाल अभी खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो उसके बिना तो दोस्तों मोटो व्लॉगिंग हो नहीं पाएगी, तो वो परचेज़ करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास है नहीं, और जो था वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, तो हो सकता है इसी मंथ में दोस्तों ये सब परचेज़ कर लूँ, एंड देखेंगे कोई अच्छा सा ब्रांड है या फिर आप सजेस्ट कर दो नीचे कमेंट में, उसके बाद ही हम परचेज़ करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आने वाले टाइम में और भी सारी वीडियोस आने वाली है। उसके लिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, एंड ऐसे ही दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड फिलहाल के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल नया हूँ मोटो व्लॉगिंग में, एंड मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई भी मिस्टेक हो जाए उसको थोड़ा सा इग्नोर करके दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में सजेशन ज़रूर देना कि आगे क्या कुछ करना चाहिए, क्या कमी रह गई है, एंड कैमरे के एंगल में एंड साउंड क्वालिटी में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना।